साथियों, आज जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के 50 वर्ष के मुकाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं इस सिंबायोसिस फैमिली से कुछ आग्रह करना चाहता हूं, और सिर्फ यहां बैठे हुए लोगों को नहीं, आपको भी आग्रह करना चाहता हूं। क्या सिंबायोसिस में हम एक परंपरा विकसित कर सकते हैं क्या कि हर वर्ष किसी एक थीम के लिए डेडिकेट किया जाए, और यहां जो भी लोग हैं किसी भी फील्ड में होंगे वे एक साल अपने बाकी कामों के उपरांत इस एक थीम के लिए उनका कोई न कोई डेडिकेशन, योगदान, भागीदारी, इनिशिएटिव होना चाहिए। अभी से मानो तय करें कि जब गोल्डन जुबली बना रहे हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल, 2022 का थीम कौन सा होगा, 2023 का थीम कौन सा होगा, 2027 का थीम कौन सा होगा, क्या अभी से हम तय कर सकते हैं? और जैसे एक थीम मैं बताता हूं, जरूरी नहीं कि इसी थीम पर चलना चाहिए, आपकी अपनी योजना से बनाइए, लेकिन हम मान लीजिए, सोच लीजिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, ये विषय ले लिया, 2022 पूरा ही हमारा परिवार ग्लोबल वार्मिंग के हर पहलू उसी का अध्ययन करे, उसी पर रिसर्च करे, उसी पर सेमिनार करे, उसी पर कार्टून बनाए, उसी पर कथाएं लिखे, उसी पर कविताएं लिखे, उसी पर कुछ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करें, यानी बाकी सब करते करते एक अतिरिक्त काम, एक थीम ले लें, लोगों को भी जागरूक करें। उसी प्रकार से जो हमारे कोस्टल एरियाज है या फिर समुद्र पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक थीम हो सकती है कि हमारे बॉर्डर एरियाज के विकास के लिए, जो हमारे आखिरी गांव है, जो हमारी सीमा की सुरक्षा में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जी जान से जुटे रहते हैं, एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे देश के रक्षक हैं, क्या हम यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे परिवार में हमारे बॉर्डर डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है? इसके लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उस इलाके का टूर करें, वहां के लोगों की दिक्कतें समझे, फिर यहां आकर के बैठ करके चर्चा करें, समाधान खोज के निकालें। आपकी यूनिवर्सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम भी, उस सपना भी साकार तब होता है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। यूनिवर्सिटी में आए एक क्षेत्र के छात्र दूसरे क्षेत्र की भाषाओं से के भी बहुत कुछ शब्द सीखे तो और भी बेहतर होगा। आप लोग लक्ष्य रख सकते हैं कि जब सिंबायोसिस का छात्र जब यहां से पढ़कर निकलेगा तो मराठी समेत भारत की 5 अन्य भाषाओं के कम से कम 100 शब्द, 100 वर्ड्स उसको पक्के याद होंगे और जीवन में उसकी उपयोगिता उसको पता होगी। हमारे आजादी के आंदोलन का इतिहास इतना समृद्ध है, इस इतिहास के किसी पहलू को आप डिजिटल करने का काम भी कर सकते हैं। देश के युवाओं में NSS, NCC की तरह हम किस तरह और नई एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी ये पूरा परिवार मिलकर के काम कर सकता है। जैसे वाटर सिक्योरिटी का विषय हो, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का विषय हो, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग से लेकर के फूड प्रोडक्ट की स्टोरेज और नेचुरल फार्मिंग तक, आपके पास रिसर्च लेकर
जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत से टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक क्या होंगे इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देश की आवश्यकताओं को, देश की समस्याओं के समाधान को आप अपने उन विषयों को चुनिए ताकि हम सारे नौजवान, सारे यंग माइंड मिलकर के, इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्थाएं हैं, हम कुछ न कुछ सॉल्यूशन दे देश को। और मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप अपने सुझावों और अनुभवों को सरकार से भी साझा करिएगा। इन थीम्स पर काम करने के बाद आप अपनी रिसर्च, आपके रिजल्ट, आपके आइडियाज, आपके सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब यहां के प्रोफेसर्स, यहां की फैकल्टी, यहां के छात्र मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो बहुत अद्भुत नतीजे निकलेंगे। आप कल्पना कीजिए, आज आप 50 साल मना रहे हैं, जब 75 साल मनाएंगे और 25 साल में देश के लिए 25 थीम पर 50,000 माइंडों ने काम किया हो, कितना बड़ा संपुट आप देश को देंगे। और मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा सिम्बायोसिस स्टूडेंट्स को ही होगा,